Hello students, how are you? Myself Abhik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So in this lecture we are going to discuss the trigonometry chapter for class 11. Okay, and I think this lecture, it is the fourth lecture from trigonometry, okay, for class 11. So in this lecture we will discuss about the radians angles. How to apply these radians and how can you find the angles in the radian form. And I think in the last lectures we had discussed various concepts regarding this radians and we had solved various problems also, okay, where the different questions and different types of questions and minute, second, these concepts were introduced. Here also the same thing will be happen. The problem sum will be continued. Different problem sums will be continued, and I think in the last lecture two or three problem sums, that means word problems, were solved. Okay, in this lecture also we will solve different types of problem sum questions. Okay, and after that we will move to the 3.2 exercise NCERT and the addition map book also. Okay, so aaj hum log डिफरेंट क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे. यहां से जैसे हम लोगों ने जो लास्ट क्वेश्चन किया था, जैसे कि मुझे याद है कि द मून डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज 360,000 किलोमीटर एंड जस्ट लाइक दैट. ओके, है यही क्वेश्चन हम लोगों ने किया था शायद. नाउ टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन, जस्ट राइट द फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी देखो. इफ द एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून, इफ द एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून, if the angular diameter of the moon, angular diameter of the moon is 30 minutes, how far from the eye, a coin of diameter 2.2 centimeter, a coin of diameter 2.2 centimeter, 2.2 centimeter can be kept to hide the moon. ठीक है, मतलब है आप यहां से मून को देख रहे हैं. ठीक है, मून को देख रहे हैं. अब आपके आंखों के सामने एक कॉइन, गोला, क्वेन, गोल सर्कल से क्वेन हम लोग जानते हैं, एक क्वेन लाके रख दिया किसी ने आपके आंखों के सामने. अब ऐसा एक टाइम आएगा, ये जो क्वेन आपने आपके आंखों के सामने रखा हुआ है ना, उस क्वेन के कारण आप मून को नहीं देख सकते हैं. ठीक है, आप लोग थोड़ा चेक करिएगा, मून आप देख रहे हैं, यहां से डिस्टेंस बहुत है. अब आपके आंखों के सामने हो सकता है कि कुछ देर, मतलब कुछ डिस्टेंस में अगर यहां पर एक क्वाइन रख दे, यहां पर यह जो अगर मैं क्वाइन रख दू, ये क्वाइन के कारण मैं ये पीछे का मून जो है वो नहीं देख सकता. तो यहां पर क्वेश्चन ये है कि क्वाइन का डायमीटर दिया हुआ है आपको 2.2 सेंटीमीटर. ओके, क्वाइन का डायमीटर दिया हुआ है. तो आपका क्वेश्चन है ये क्वेन जो है आपके आंखों से कितना दूर रखने से ये मून जो है वो दिखाई नहीं देगा. ठीक है, अगर मैं उसको फिगर में कन्वर्ट करूं, जैसे ये आप हैं, सपोज ये आप है, दैट मीन्स आई, ये आपका आंख है. ठीक है, सपोज मून यहां पर है, सपोज मून यहां पर है. ठीक है, तो दैट मीन्स आपको करे ऐसा जाएगा, जैसे कि हम लोग जानते हैं ऐसे,
ऐसा है कि नहीं? ऐसे जाएगा ना। नाउ इट इज द सेंटर ऑफ दिस मून, जैसे कि हम लोग जानते हैं। अब क्या हुआ, यहां से आप मून को देख रहे हैं, ठीक है। अब आपके और मून के अंदर, दैट मीन्स बिटवीन यू एंड द मून, एक क्वाइन जो है, गोल्ड क्वाइन रखा गया है। दैट मीन्स एक क्वाइन रखा हुआ है। अब ये क्वाइन रखने से क्या हुआ, आपके आंखों के सामने क्वाइन रख दिया, तो वो क्वाइन के कारण आपका जो है मून गायब हो गया, मतलब आप मून को देख नहीं पा रहे, सिर्फ क्वाइन को ही देख रहे हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा घर पे चेक करिएगा। तो ये जो आपने क्वाइन रखा है, ये क्वाइन का डायमीटर दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो एंगल है, ये एंगल है 30 सेकेंड। आपको निकालना क्या है, हाउ फार फ्रॉम द आई दैट क्वाइन शुड बी प्लेस्ड। दैट मीन्स आंखों से कितना दूर ये क्वाइन रखने से आपका मून गायब हो जाएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में ही तो क्वाइन को रखना है कि नहीं? पर्टिकुलर डिस्टेंस में ही क्वाइन को रखना है। आप यहां पर रखेंगे तब भी आपको मून दिखाई देगा, अब यहां पर रखेंगे तब भी आपको मून दिखाई देगा, यहां पर रखेंगे तब भी आपको मून दिखाई देगा, हाँ यहां पर आ गया तब आपका मून गायब हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग के आंखों से जो रे निकलता है, वो रे जो है वो क्वाइन के ऊपर रिफ्लेक्ट करके दूसरे तरफ चला जाएगा, ठीक है ना। जैसे ये यहां पर अगर मैंने प्लेस कर दिया तो ये यहां पर होके फिर आगे नहीं जा पाएगा, तो ठीक है ना। अगर आगे जा पाए तभी तो मून को दिखाई देगा, क्यों तो आगे नहीं जा पा रहा है, तो आगे अगर नहीं जा पा रहे तो कहां से मून दिखाई देगा, है कि नहीं। सो आपको ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है, मतलब आंखों से कितना दूर ये क्वाइन प्लेस करने से, मतलब क्वाइन रखने से आपको मून दिखाई नहीं देगा, ओके। अब नाम इज हियर एंगल 30 मिनट। अब मिनट में तो हम लोग नहीं रखेंगे उसको, घंटे में लेके जाएंगे। अब घंटे में लेके जाएंगे 60 से डिवाइड करेंगे, घंटे मतलब यहां पर डिग्री है कि, सो दैट मींस हाफ डिग्री, ठीक है। अब थीटा इक्वल्स टू हाफ डिग्री, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं ये डिग्री फॉर्म में नहीं, थीटा का वैल्यू, ये जो है थीटा का वैल्यू है वो रेडियन फॉर्म में होना चाहिए। तो हम लोग हाफ इंटू क्या होता है, अगर मैं डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या होता है, पाई बाय 180, दैट मीन्स पाई बाय 360 थीटा इक्वल्स टू, राइट। क्योंकि 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई होता है, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है, पाई बाय 180, यूनिटरी मेथड, ठीक है ना। तो यही हम लोग ने यूज किया, हो गया। अच्छा, तो थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 360 रेडियन वैल्यू है। हियर आर इक्वल्स टू, हियर आर इक्वल्स टू नहीं जानते हम लोग, ठीक है। एस इक्वल्स टू 2.2 सेंटीमीटर। आप बोलोगे सर एस इक्वल्स टू 2.2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये, ठीक है, ओके। सो थीटा इक्वल्स टू हम लोग जान, थीटा इक्वल्स टू एस बाई आर, ये तो हम लोग जानते हैं। तो थीटा का वैल्यू पाई बाई 360 इक्वल्स टू एस, मतलब 2.2 बाई आर, है कि नहीं। तो यहां पर आर इक्वल्स टू 2.2 इंटू 360 बाई पाई, 2.2 इंटू 360 बाई पाई। तो बस आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए उसका कितना होता है। अब पाई दैट मीन्स 2.2 इंटू 360 इंटू 22 बाई 7 है ना, तो 7 बाई 22 ऐसे करो, इसका कैलकुलेशन करो, देखो 252
और यहाँ पर आर है ना डिस्टेंस निकला, तो डिस्टेंस का यूनिट कितना दिया हुआ है सेंटीमीटर, तो आपको सेंटीमीटर यूज करना है। आर तो मतलब क्या है, आर मतलब क्या है, ये डिस्टेंस है ना, मतलब आपका आंख और मून के बीच डिस्टेंस, ठीक है, हो गया हा? तो आप बोलोगे सर यहां पर ये जो मून का, ये जो मून का नहीं सॉरी क्वाइन का जो डायमीटर है उसको हम लोगों ने एस क्यों लिया था, एस तो यहां पर क्या होता है, एस यहां पर होता है ये आर्क का लेंथ, तो आपने डायमीटर को आर्क क्यों पकड़ा, ऐसा नहीं है। देखो यहां पर अगर इस मेरे आर्क को सेंटर करके अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं, जैसे सपोज ऐसा है एक सर्कल, मतलब ऐसा नहीं इसको ज्वाइन करके निकालना पड़ेगा, ऐसे ऐसा एक सर्कल है, तो ये होता है आपका आर्क, ये जो है ना छोटा वाला ये होता है आपका आर्क, ठीक है ना। अब ये आर्क और ये डायमीटर ऑफ दिस क्वाइन एकदम पास पास होता है, वेरी नेग्लेक्टेड डिस्टेंस, वेरी नेग्लेक्टेड डिफरेंस बिटवीन दिस टू, इसलिए ये आर्क का लेंथ तो मुझे पता नहीं है, बट आर्क का जो आसपास है ये क्वाइन का डायमीटर 2.2 सेंटीमीटर ये गिवन है, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने उसको कंसीडर कर लिया, आर्क का लेंथ भी कंसीडर कर लिया, दैट मींस एकदम आसपास तो होगा, ठीक है, हो गया। तो फिर 252 सेंटीमीटर है कि नहीं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लो, फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक एंड द आवर हैंड, फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड, ये समझ पाया ना, फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड, फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड, फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड, ओके आवर हैंड व्हेन द टाइम इज 7:20 AM, व्हेन द टाइम इज 7:20 AM, ठीक है हा? अच्छा, तो यहां पर 7:20 AM मतलब घड़ी कुछ ऐसा होता है, ये घड़ी है मिनट, मतलब मिनट एंड एकदम लंबा होता है, आवर एंड ऐसा होता है, ठीक है, तो जब 7:20 मतलब घंटा, ये आवर एंड जब घूमेगा उसके साथ साथ मिनट एंड भी घूमेगा, है कि नहीं हा? जैसे सपोज ये आपका आवर एंड है और ये आपका मिनट एंड है, ठीक है, तो जब ये आवर एंड घूमेगा तब मिनट एंड भी तो साथ साथ घूमेगा, हा है कि नहीं हा? तो हो सकता है ये आवर एंड थोड़ा धीमे धीमे घूमे, मिनट एंड थोड़ा फास्ट घूमे, ठीक है हम्म। अच्छा, तो यहां पर आपको निकालना है कि जब आपका 7:20 बजा है घड़ी पर, 7:20 है कि नहीं, तब मिनट एंड और आवर एंड के बीच एंगल कितना होगा, 7:20 मतलब यहां पर आसपास होगा, ये होता है 7 और 20 यहां पर होगा आसपास, ठीक है, दैट मीन्स ये एंगल आपको निकाल के दिखाना है उन लोगों को, ठीक है हम्म। अच्छा, तो कैसे निकाले हम लोग उसको हम्म। अच्छा, तो एक काम करते हैं, देखो कैसे करते हैं, वी नो दैट देखो कैसे होता है, वी नो दैट ये जो आवर एंड है, आवर एंड पूरा एक बार रिवॉल्यूशन, दैट मीन्स पूरा एक बार घूमता है कितने घंटे में, 12 घंटे में, है कि नहीं,
मतलब यहां पर मतलब 12 बजे से 12 बजा, ट्वेल्व टू ट्वेल्व, एक बार रिवोल्यूशन हुआ है ना, एक बार रिवोल्व हुआ है ना, दैट मीन्स एक बार रिवोल्यूशन करने में टोटल कितना घंटा लगा, 12 घंटा लगा। दिन या रात ये हम लोग को सोचना नहीं है, आप लोग को देखना है कि घंटे का जो काटा है वो एक बार पूरा घूमेगा कितना घंटा लगेगा, 12 घंटा लगेगा। रात का 12, फिर उसके बाद फिर घूम के पूरा आके शाम का 12, ठीक है। तो एक बार घुमा देखो, 12 घंटा घुमा है ना, तो दैट मीन्स 12 आवर्स चाहिए घंटे का जो हैंड है एक बार घूमने के लिए, पूरा एक बार रिवोल्यूशन होने के लिए। तो दैट मीन्स यहां पर लिखो आवर एंड, आवर हैंड मूव्स इन 12 आवर्स इज 360 डिग्री। Our hand moves in 12 hours is 360 degree. 12 hour में 360 degree angle बनाता है, ठीक। तो एक घंटे में 1 hour में one, तो यहां पर एक hour and moves in 1 hour, एक घंटे में कितना कवर करता है, देखो 360 तो टोटल करते हैं 12 घंटे में, तो एक घंटे में कितना करेगा, 360 बाई 12 दैट मीन्स 30 डिग्री है कि नहीं। आपको कितना घंटा चाहिए, आपको तो चाहिए 720 AM दैट मीन्स 7 घंटा 20 मिनट है कि नहीं। सो आवर एंड मूव्स इन 7 आवर 20 मिनट्स, दैट इज अच्छा 7 आवर 20 मिनट्स, इसको पूरा अगर मैं घंटे में लेके जाऊं तो कितना होता है, 20 by 60 that means 3 that means 22 by 3 hour, है कि नहीं। सो दैट मीन्स 22 by 3 hour, तो इतने घंटे में कितना डिग्री बनेगा, 30 डिग्री इंटू 22 by 3 डिग्री, तो यहां पर ये 10 दैट मीन्स 220 डिग्री, 220 डिग्री हो गया। तो दैट मीन्स एक आवर एंड इतने घंटे में, इतने घंटे में कितना डिग्री बनाएगा, 220 डिग्री, ये तो पूरा घंटे का हिसाब है, दैट मीन्स 22 by 3। ये घंटे का काटा जो है ये 220 डिग्री बनाएगा, ठीक है। अब है मिनट एंड, मिनट एंड ये कितना डिग्री एंगल बनाएगा, ये तो घंटे का काटा है, आवर एंड इतना डिग्री बनाएगा, अब मिनट एंड कितना डिग्री बनाएगा। तो हम लोग यहां पर जानते हैं मिनट एंड, मिनट एंड जो है यहां पर 360 डिग्री कवर करने के लिए एक मिनट एंड को कितना मिनट जाना पड़ता है, जैसे यहां पर 12 आवर्स में 360 डिग्री कवर हो जाता है आवर एंड का, तो मिनट एंड का 60 मिनट में क्या होता है, 360 डिग्री हो जाता है ना, एक बार रिवोल्यूशन, दैट मीन्स क्या है 60 मिनट होता है ना, 12 से 12 60 मिनट, एक घंटा है ना, एक घंटा मतलब कितना है 60 मिनट, तो मिनट एंड एक बार घूमेगा दैट मीन 60 मिनट कवर करेगा, और एंगल कितना कवर करेगा, 360 डिग्री एंगल कवर करेगा, क्योंकि एक बार पूरा सर्कल घूम के आ गया दैट मीन 360 डिग्री। तो यहां पर लिखो ए मिनट एंड, ए मिनट हैंड मूव्स मिनट फॉर 360 डिग्री एंगल, मतलब मिनट एंड को 60 मिनट कवर करना चाहिए। तो यहां पर ये जो टाइम दिया गया है इसमें मिनट एंड ने कितना मिनट कवर किया है, 20 मिनट कवर किया है, देखो तो 7 घंटा 20 मिनट, ओनली 20 मिनट कवर किया मिनट एंड में, तो घंटे का हिसाब तो होगा नहीं, हाँ बट घंटे के हिसाब में मिनट का हिसाब टोटल आएगा, ये टोटल आवर आपको काउंट करना पड़ेगा है कि नहीं। तो टोटल आवर आप कर सकते हैं, और मिनट तो खुद ही एक मिनट है, तो यहां पर टोटल मिनट कितना होता है 20 मिनट्स, तो 20 मिनट्स में, 20 मिनट्स में कितना कवर होगा, दैट मीन्स 360 बाय 60 इंटू 20, सब यूनिटरी मेथड हो रहा है यहां पर है कि नहीं, ये 60 होगा दैट मीन्स 120 डिग्री,
120 डिग्री है नहीं? सो दैट मींस घंटी का काटा जो है, घंटी का जो काटा है ये कितना एंगल बनाएगा? 220 डिग्री एंगल बनाएगा, है कि नहीं? और उसके साथ साथ मिनट एंड भी 120 एंगल बनाएगा, है कि नहीं? तो ये दोनों में क्या एंगल कितना होगा? ये जो देखो ये है स्टैंडर्ड 12 बजे का जो काटा है, ये एंगल तो इसके साथ ही बनेगा ना, है? तो अगर एंगल घंटे का काटा जो है 220 डिग्री एंगल बनाता है, है कि नहीं? दैट मींस आप अगर यहां पर फिगर ड्रॉ करें, देखो यहां पर देखो थोड़ा, जैसे ये ऐसा है, ठीक है? तो ये आपका है, ये आपका मेन 12 बजे का जो काटा है वो, ठीक है? तो यहां पर बोला गया कि घंटे का काटा जो है ऐसे आते 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 यहां पर आ गया, ये जो है घंटे का काटा यहां पर है 7 में है, ठीक है? तो दैट मींस ये एंगल जो है ये कितना डिग्री एंगल है? 220 डिग्री है कि नहीं? हाँ? अब मिनट एंड जो है, मिनट यहां पर आ गया, दैट मींस ये मिनट एंड है और यहां पर ये क्या है? 20 मिनट्स वाला पार्ट है, ये 7 आवर वाला पार्ट है, ठीक है? तो पूरा घंटे का जो काटा है 220 डिग्री कवर किया है, मिनट एंड जो है 120 डिग्री कवर किया है, तो ये जो है ये कितना होगा? 220 माइनस 120 होगा ना, है? सो लिखो, सो द एंगल बिटवीन द मिनट एंड द आवर एंड, ओके, सो द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड इज, समझ में आया ना क्या बोला मैंने? एकदम सिंपल चीज है, इट मीन्स ये घड़ी है, थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ कर लो, ये आपका स्टैंडर्ड है 12 बजे, ठीक है? तो ऐसे घंटे का काटा ऐसे करते 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 जब 7 में आएगा, यहां पर 7 एएम है तो यहां पर काटा आएगा, तो ये जो एंगल है ना ये 220 डिग्री है, ठीक है? और मिनट हैंड जो है, मिनट हैंड ऐसे करते 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 जब 20 होएगा यहां पर 20 मिनट, तभी तो 720 बजेगा ना, है कि नहीं? तो यहां पर जब मिनट हैंड आ जाएगा, ये मिनट हैंड है, ठीक है? ये मिनट हैंड है, जब यहां पर आ जाएगा तब उसका एंगल होगा, हम लोगों ने अभी भी निकाला है 120 डिग्री, तो यहां से लेके पूरा यहां तक 220, यहां से लेके यहां तक 120, तो ये जो होगा ये 220 माइनस 120 होगा ना, हाँ? सो एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड इज 220 डिग्री माइनस 120 डिग्री, दैट इज 100 डिग्री, ठीक है? हो गया, है कि नहीं? एकदम सिंपल चीज है, ठीक है? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ, फाइंड द डिग्री मेजर, फाइंड द डिग्री मेजर फॉर द फॉलोइंग, फाइंड द डिग्री मेजर फॉर द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स, ओके, फाइंड द डिग्री मेजर्स, फाइंड द डिग्री मेजर्स फॉर द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द डिग्री मेजर्स मेजर्स फॉर क्या है क्वेश्चन? 11/16 रेडियन, मतलब ये रेडियन वैल्यू है, यहां से आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो किसी एक रेडियन को अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पाई मतलब है 180 डिग्री, दैट मींस 1 रेडियन मतलब है 180 बाई पाई, है कि? तो 11/16 रेडियन क्या होगा? 180 बाई पाई इंटू क्या होगा?
1 रेडियन इक्वल्स टू 180 बाई पाई, ठीक है। अब 11 बाई 16 ये क्या 1 रेडियन से कम है या ज्यादा है मुझे बोलो। 1 रेडियन यहां पर 11 बाई 16 मतलब क्या है, डिवाइड करने से 11 को 16 से डिवाइड करने 1 से कम होता है। सो दैट मीन्स ये 1 से कम है, 1 से क्या होता है कम है। सो दैट मीन्स यहां पर ये वाला पार्ट भी क्या होगा कम होगा, दैट मीन्स ये तो डिग्री है, डिग्री भी कम होगा। अगर 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 बाई पाई डिग्री है तो ये 1 रेडियन से तो ये वाला पार्ट कम है ना, देखो 11 बाई 16 ये 0. समथिंग कुछ आएगा, ये 1 से कम होगा तो डिग्री भी कम होगा। तो कम होगा दैट मीन्स क्या है, आपको मल्टीप्लाई जो करना है कैसे करेंगे आप भाई 16, ठीक है हो गया 180 बाई पाई इंटू 11 बाई 16, 11 देखो ऊपर छोटा है 16 नीचे बड़ा है, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा कैंसिलेशन करेंगे और आपको क्वेश्चन में दिया गया है क्वेर पाई इक्वल्स टू 22 बाई 7, अगर पाई का वैल्यू आपको बिठाना है तो आप बिठा सकते हैं 22 बाई 7। तो देखो यहां से क्या है, हियर 11 बाई 16 रेडियन इक्वल्स टू 180 बाई पाई इंटू 11 बाई 16 है कि तो 180 इंटू 11 बाई 22 बाई 7 इंटू 16। तो यहां पर 180 इंटू 11 बाई इंटू 7 22 इंटू 16 ये सब डिग्री का हिसाब है, ठीक है याद रखना ये सब पूरा डिग्री है। तो यहां पर अगर मैं ये कैंसलेशन करूं ये 2 होगा, 2 से ये 90 होगा, ओके देन ये 45 होगा, ये 8 होगा है कि नहीं, और कुछ कैंसिल जाता है यहां पर 45 इंटू 7 कितना होता है, 45 इंटू 7 कितना होता है 315 बाई 8 डिग्री, ठीक है ना। हाँ ये डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है तो एक काम करते हैं 315 बाई 8 है ना डिवाइड करते हैं 8 से, ठीक है 8 से डिवाइड करना है तो 3 8 24, तो यहां पर 31 बाई माइनस 24 इसका मतलब क्या होता है 7, ठीक है और ये 5, ठीक है। फिर 8 9 72 और यहां पर 3, तो दैट मीन्स यहां पर क्या आ रहा है 39 होल 8 बाई 3 टोटल ये डिग्री निकलता है, दैट मीन्स 39 डिग्री 3 बाई 8 डिग्री, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 39 होल 3 बाई 8 डिग्री, डिवाइड करने से तो ये आंसर आता है ना। अब होल लिखा है तो दैट मीन्स आप 39 डिग्री और 3 बाई 8 डिग्री ऐसे उसको सेपरेट लिख सकते हैं या फिर बीच में प्लस भी दे सकते हैं, प्लस आप दे सकते हैं नो प्रॉब्लम, एक ही बात है, ठीक है। तो 8 बाई 3 डिग्री, अब इस डिग्री को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करना चाहूं, 8 बाई 3 डिग्री को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करना चाहूं 8 बाई 3 डिग्री, तो 3 बाई 8 डिग्री को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करना चाहूं तो इंटू 60 करूंगा है कि नहीं। सो दैट मीन्स 180 बाई 8, अब फिर से 180 को 8 से डिवाइड करो देखिए कितना होगा, 8 2 16 2, फिर यहां पर 20 आएगा है कि नहीं, तो 8 2 16 4, तो दैट मीन्स ये 8 बाई 4 यहां पर काटूंगा तो हाफ, सो दैट मीन्स 39 डिग्री प्लस
3/8 डिग्री, इसका मतलब क्या होता है 22.5 मिनट, क्योंकि ये 60 से मल्टीप्लाई करके मैंने मिनट में कन्वर्ट कर दिया ना, उसको होल मिनट होता है। अगर कोई भी डिग्री को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई करूं तो वो मिनट में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स आवर को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई करूं वो मिनट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, वही यहां पर मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब फिर से यहां पर देखो, यहां पर नाउ क्या है 39 डिग्री तो है ही, प्लस इसको हम लोग फिर से 22 मिनट प्लस हाफ मिनट ऐसे लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन है ना, उसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। एक ही बात है, बीच में प्लस देना और मिक्स फ्रैक्शन में लिखना एक ही बात है। तो 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस अब हाफ मिनट, उसको सेकंड में अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूं, हाफ मिनट है ना, उसको अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट तो 60 मल्टीप्लाई करूंगा हो जाएगा सेकंड में, क्योंकि ये मिनट है ना, मिनट को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई करूं वो सेकंड में कन्वर्ट होता है ना, घड़ी का ही हिसाब देखो आप, ठीक है ना। तो काटेंगे तो ये 3, दैट मीन्स 30 सेकेंड, सो दैट मीन्स हाफ मिनट इसका मतलब है 30 सेकेंड। अब तीनों प्लस देके लिखे हैं, अब प्लस को हटा के आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, एक ही बात है, बस ये हो गया आपका डिग्री में कन्वर्शन, ठीक है, समझ में आया क्या बोला है कि नहीं। 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड, दैट इज द डिग्री वैल्यू ऑफ दिस रेडियन पार्ट। तो ऐसे आपको रेडियन, कोई भी रेडियन अगर दिया जाए उसको आप डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। नाउ एक क्वेश्चन लिखो, ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, ए व्हील मतलब एक, वन व्हील जानते हो, व्हील क्या है, चक्का है, गाड़ी का चक्का जो होता है ना वो, ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, ए व्हील 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, मतलब 1 मिनट में 360 बार घूमता है एक चक्का, ठीक है। थ्रो हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, आई थिंक नो 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। अच्छा, यहां पर जो है एक चक्का 1 मिनट में 360 बार ऐसे ऐसे घूमता है, ठीक है, लिख लो, ए व्हील रिवॉल्व्स 360 revolves in 1 minute, okay, 1 minute equals to 360 times, okay, 1 minute में 360 times घूमता है। अब revolves in 1 minute मतलब क्या है, 60 second हम लोग जानते हैं, तो 60 second में 360 times मतलब revolve होता है। अब revolves in, आपको तो 1 second का हिसाब निकालना है, तो 1 सेकेंड में कितना होता है 360/60 times, दैट मीन्स 6 times हो गया। अब 1 मिनट में 6 times रिवॉल्व होता है, ओके, अच्छा मुझे ये बोलो, ये जो चक्का होता है ना, एक बार रिवॉल्व होने से कितना डिग्री कवर करता है, 360 डिग्री,
जानते हैं ये यहां से शुरू किया फिर ये घूम फिर के ऐसे जगह में आ गए तो 360 डिग्री एंगल होता है ना, है कि नहीं? 360 डिग्री एंगल कवर होता है। सो एक बार घूमने में, ठीक है ना, तो लिखो हियर व्हील कवर्स इन वन रिवॉल्व इक्वल टू 360 डिग्री। यहां पर कितना बार रिवॉल्व हुआ है? 6 टाइम्स। सो दैट मीन्स 360 डिग्री इंटू 6 हो गया है। ठीक है ना, तो ये टोटल इतना डिग्री कवर करेगा। तो एक सेकंड में 6 टाइम घूमता है कि नहीं? तो 6 टाइम मतलब कितना डिग्री? इतना डिग्री। अब मुझे तो निकालना क्या है, देखो द व्हील 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट हाउ मेनी रेडियन, रेडियन वैल्यू निकालना है। तो डिग्री को अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या करते हैं, पाई बाई 180। इसमें 180 डिग्री, हाँ पाई बाई 180 है कि नहीं? अब इसको अगर मैं काटूं क्या होता है, ये 12 पाई होता है, 12 पाई रेडियन। देखो तो अब किसी भी डिग्री को 1 डिग्री मतलब पाई बाई 180 रेडियन होता है ना, ये तो कुछ देर पहले हम लोग जाते क्योंकि 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई, तो 1 डिग्री कितना होगा, पाई बाई 180 है कि नहीं? सो दैट मींस एक डिग्री, 1 डिग्री अगर पाई बाई 180 हो तो ये तो टोटल डिग्री है, ये पूरा टोटल तो डिग्री है, ये डिग्री टोटल कितना रेडियन होगा, पाई बाई 180 मल्टीप्लाई कर दो बस टोटल रेडियन निकल जाएगा, दैट मींस 12 पाई रेडियन। ठीक है, हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर इन ए सर्कल ऑफ 40 सेंटीमीटर डायमीटर, 40 सेंटीमीटर डायमीटर, ओके द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड ऑफ द कॉर्ड, ओके ठीक है। आज नाउ यहां पर देखो, यहां पर बोला गया कि एक सर्कल है, ये सेंटर है, ठीक है। सर्कल का डायमीटर आप 40 सेंटीमीटर ले लीजिए और कॉर्ड जो है 20 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स ये कॉर्ड है, ये 20 सेंटीमीटर है। और अगर मैं कॉर्ड का दोनों एंड ऐसे ऐसे ज्वाइन करूं, ये क्या होता है, सर्कल का रेडियस होता है आर, ये भी आर होता है कि नहीं? और ये यहां पर आर कितना होता है, देखो 20 सेंटीमीटर है, अगर डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या होगा, 20 सेंटीमीटर होगा, तो 20 सेंटीमीटर लिया, तो ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, ठीक। आपको निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, इसका लेंथ आपको निकालना है, ठीक है। और
यहां पर एंगल कितना है, ये 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है ना। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों एंगल 60 डिग्री बनता है, दैट मीन्स ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, है कि नहीं। सो दैट मीन ये आपका रेडियस, ये आपका आर्क, आप नाम दे दियो जो उसको ए बी, ये आपका आर्क और ये आपका रेडियस, है कि नहीं। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं थीटा इक्वल्स टू एस बाई आर। एस क्या है, आर्क लेंथ, आर्क ए बी, और आर क्या है, रेडियस है, ये तो फॉर्मूला है। तो थीटा की जगह यहां पर 60 डिग्री हम लोग पुट कर सकते हैं, और यहां पर आर्क ए बी, ये तो हम लोग को निकालना है, ए बी बाय रेडियस मतलब कितना है 20। एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा कि सर ये आर्क क्या होता है। आर्क मतलब कुछ नहीं है, एक सर्कल है ना, ऐसे ये सर्कल के अंदर ये जो ऊपर जो ये पार्ट है ना, जैसे ये कार का लेंथ, ये आर्क होता है, मतलब एक पोर्शन सर्कल का, एक पार्ट, छोटा पार्ट, उसको आर्क बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। दैट मीन्स ये पोर्शन आर्क होता है, ये पोर्शन एक छोटा सा आर्क होता है, ये पोर्शन एक छोटा सा आर्क होता है, ये पोर्शन एक छोटा सा आर्क होता है, आर्क, ठीक है। ओके, नाउ 60 डिग्री को, अब मैं तो ये जानता हूं कि ये जो थीटा इक्वल्स टू एस बाई आर है वो रेडियन वैल्यू है, ये रेडियन है। तो दैट मीन्स ये थीटा का वैल्यू डिग्री में नहीं रखना है तुम्हें, इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करते हैं हम लोग, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई, 1 डिग्री मतलब पाई बाई 180, है कि नहीं, और 60 डिग्री मतलब पाई बाई 180 इंटू 60, तो पाई बाई 180 इंटू 60, ये हो गया आपका रेडियन में कन्वर्ट। आर्क, आर्क ए बी बाय 20 होल टू दी पावर सी, तो बोथ साइड रेडियन रेडियन कैंसिल हो गया, है कि नहीं। ये 3 डिपेंड्स पाई बाय 3 रेडियन, और इधर भी रेडियन, इधर भी रेडियन, बोथ साइड कैंसिल कर दो, और ये आर्क ए बी बाय 20, सो दैट मीन्स आर्क ए बी क्या होगा 20, डायगोनल मल्टीप्लाई करो 20 पाई बाय 3। यूनिट क्या होगा आर्क, मतलब कोई लेंथ यहां पर निकल रहा है, तो लेंथ का यूनिट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर, तो यहां पर भी आप सेंटीमीटर यूज करेंगे, 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर, हो गया, वेरी सिंपल, ठीक है। नाउ टू सर्कल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ, टू सर्कल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ subtend angle 60 degree and 75 degree, subtend 60 degree and 75 degree, okay, at the center, at the center, find ratio of रेडियाई, ठीक है। मतलब यहां पर क्वेश्चन का मतलब है, ऐसे दो ऐसे सर्कल बना हुआ है, यहां पर सेंटर है, और ये जो यहां से ऐसे और ऐसे,
ये सब रेडियस है हम लोग जानते हैं, और ये आपका आर्क है। ये क्या है आपका आर्क है। यहां पर भी एक ऐसा है, ठीक है, और ये आपका आर्क है। क्वेश्चन में बोला गया कि ये भी ए बी नाम दे दो और ये पी क्यू नाम दे दो, ये ओ दे दो, ये ओ डैश दे दो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आर्क ए बी इक्वल्स टू आर्क पी क्यू, देखो टू सर्कल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ, दोनों सर्कल में आर्क आपको सेम लेंथ का लेना है, दैट मीन्स ए बी आर्क का लेंथ पी क्यू आर्क का लेंथ सेम है, तो ये तो श्योर है। तो दैट मीन्स इसको दोनों को ही हम लोग क्या लेते हैं, एस ले लेते हैं सपोज, एस। ये जो एंगल है, ये एंगल जो है कितना है 60 डिग्री है, और ये जो एंगल है 75 डिग्री है, ओके। ये है फर्स्ट सर्कल, ये है सेकेंड सर्कल। नाउ फॉर फर्स्ट थीटा इक्वल्स टू एस बाई आर, तो थीटा मतलब पहले 60 डिग्री इक्वल्स टू एस, तो यहां पर नहीं जानते हम लोग एस, एस मतलब यहां पर ए ए बी आर का लेंथ, तो ए बी आर का लेंथ तो मैंने एस लिया है, ठीक है, एस बाई आर, आर तो नहीं जानते हम लोग। तो 60 डिग्री मतलब क्या है, 60 डिग्री को अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट, रेडियन में तो आपको कन्वर्ट करना ही है, तो 60 इंटू पाई बाई 180 दैट मीन्स 3 है कि नहीं, तो ये एस बाई आर। सो यहां पर अगर मैं थोड़ा कैलकुलेशन करूं, पाई बाई 3 इक्वल्स टू एस बाई आर, ओके। सो दैट मीन्स यहां से एस इक्वल्स टू ये देखो पाई आर बाई 3, ठीक है, पाई। एक काम करो, ये जो रेडियस है ना इस सर्कल का रेडियस, उसको R1 नाम दे दो और इसको R2 नाम दे दो, पहला वाला सर्कल को R1, सेकंड वाला सर्कल का जो रेडियस है उसको R2 नाम दे दो, दैट मींस यहां पर ये आप R1 यूज कर दो, ठीक है, ये निकला फर्स्ट सर्कल के लिए। नाउ फॉर सेकंड सर्कल, सेकंड सर्कल में जाओ, सेकंड सर्कल, सेकंड सर्कल में क्या बोला गया, एंगल्स यहां पर फॉर्मूला तो सेम ही है, एस बाई आर टू होगा क्योंकि रेडियस मैंने यहां पर आर टू लिया है, तो ये 75 डिग्री और ये एस, एस तो सेम ही है, यहां पर आर पी क्यू है ना, ये तो आर पी क्यू देखो उसका लेंथ भी तो ऐसी है, क्योंकि क्वेश्चन में भी तो बोला गया आर्क सेम होगा बाई आर टू, तो देखते हैं 75 इंटू पाई बाई 180 इक्वल्स टू एस बाई आर टू, ठीक है ना। ये जो यहां पर ये जो है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 भी दे सकते हो, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। तो इसको अगर मैं काटूं उसको 36, दैट मीन्स 5 पाई बाई 12 इंटू आर टू, सॉरी आर टू इक्वल्स टू एस, सो एस इक्वल्स टू 5 पाई बाई 12 इंटू आर टू, ये दूसरा मिला सेकंड सर्कल के लिए। तो ये है फर्स्ट सर्कल का आर्क लेंथ एस, ये है सेकंड सर्कल का आर्क लेंथ एस। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आर्क, आर्क आर सेम, यहां पर भी है आर्क ए बी आर्क पी क्यू दोनों सेम है, तो दैट मीन्स दिस इक्वल्स टू दिस लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। लिखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो लिखो यहां पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5 पाई बाई 12 इंटू आर टू इक्वल्स टू 5 आर 1 बाई 3, ये दोनों सेम है ऑब्वियसली। तो अब यहां पर पाई पाई कैंसल, 3 से ये काटेंगे 4, सो यहां पर देखो आर वन, ये आर टू को डायगोनल अगर नीचे लेके चले जाओ, आर वन बाई आर टू इक्वल्स टू 5 बाई 4, सो दैट मीन्स फ्रैक्शन मतलब हम लोग रेशियो लिख सकते हैं आर वन इज टू आर टू इक्वल्स टू 5 इज टू 4। यहां पर तो क्वेश्चन में देखो
रेडियस का रेशियो ही तो निकालना था ना आपको, रेडियस का रेशियो भी निकल गया यहां से, है कि सो यहां तक ही हम लोग स्टॉप करेंगे। 3.1 जो है वो खत्म है और यहां पर जो क्वेश्चंस बाकी है, यहां पर तो क्वेश्चंस और बाकी नहीं है, ठीक है, तो जो भी बाकी है आप यहां पर होमवर्क करेंगे। तो 3.1 जो है हम लोग अगर फुल सॉल्व चाहते हैं एकदम 3.1 हम लोग लाइव क्लासेस में करेंगे। यहां पर जो मैंने जो जो इंपॉर्टेंट है, जो जो एकदम आप लोगों को नहीं आएगा ऐसा है वो मैंने कर दिया है, ठीक है, आर डी शर्मा से भी किया है और आर एस अग्रवाल से भी किया है, ठीक है। तो 3.1 देखने से इस स्ट्रक्चर का क्वेश्चन खत्म है, मतलब कल से नेक्स्ट क्लास से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सॉल्यूशंस स्टार्ट करेंगे, ठीक। ये एक या फिर दो मार्क के लिए सब क्वेश्चंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स जो आप लोग देख रहे हैं ये मतलब फाइनल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम से इतना नहीं आता है, बट एंट्रेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। तो आपको यही क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन यहां पर अराइज हुआ जो आप लोगों को नहीं आ रहा है वो आप लोग इसमें देंगे। और प्रॉब्लम सम्स इतना ज्यादा मैंने नहीं करा है क्योंकि ये मैं एंट्रेंस में कराऊंगा, ये बोर्ड लेवल में मतलब स्कूल लेवल में या फिर कॉलेज लेवल एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। सिर्फ वही आता है कन्वर्ट डिग्री मिनट सेकंड, है रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, ये सब क्वेश्चन ही आता है बोर्ड। और ये जो प्रॉब्लम सम है, जितना भी हम लोगों ने प्रॉब्लम सम्स यहां पर किया है वो सब प्रॉब्लम सम्स इन अबाउट एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए प्रॉब्लम सम्स और हम लोग यहां पर नहीं करेंगे, जब हम लोग एंट्रेंस क्लास करेंगे उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम सम्स, ठीक है। और प्रॉब्लम सम्स में जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने करके दे दिया, एनसीईआरटी में जो जो क्वेश्चन है मैंने करके दे दिया है, ठीक है। और आर डी शर्मा में से भी मैंने चार पांच छह क्वेश्चन मैंने कराए हैं, ठीक। सो अगले दिन से हम लोग 3.2 स्टार्ट करेंगे। 3.2 में हम लोग ओरिजिनल जो ट्रिगोनोमेट्रिक सॉल्यूशंस हैं वो हम लोग करेंगे 11th के लिए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। इफ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर माय चैनल, ओके, बाय एंड जय हिंद।